guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. Hi, this is Aftab Shivdasani. Keep watching Expose India. Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. यूपीए शासनकाल में हुए 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता हेलीकॉप्टर डील में घूसखोरी के आरोप में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिसंबर तक की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में 450 करोड़ रुपए की घूसखोरी से जुड़े मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी त्यागी, संजीव त्यागी और चंडीगढ़ के रहने वाले वकील गौतम खेतान को सीबीआई मुख्यालय में शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लगभग 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल पहले सामने आए इस मामले में सीबीआई की ओर से की गई ये पहली गिरफ्तारी है। रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने 2013 में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस घोटाले से जुड़ी सूचनाएं इटली में सार्वजनिक हुई थी, जहां सरकारी वकीलों ने अगस्ता की मुख्य कंपनी फिन मैकेनिका के चीफ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस साल 7 अप्रैल को इटली की एक अदालत ने इस डील में घूस देने के आरोप में फिन मैकेनिका के 2 अधिकारियों को दोषी ठहराया था। Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India.